जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी भर लो। जाओ अब्बा के लिए पानी लेकर आ। मैं क्यों ले आऊं, तू खुद लेकर आ। ऐसी नाफरमान औलाद अल्लाह किसी को भी ना दे। अब्बा आप खुद उठ के पी लें। अल्लाह सच में ऐसी औलाद किसी को ना दे। तेरी वजह से मार पड़ी है। हाँ तूने तो जैसे पानी के समंदर बहा दिए हैं। अब्बा ये लो पानी। जियो मेरा शेर। मत कहा करें इनको, ये तो हैं ही ऐसे। खेलना छोड़ो और लग जाओ काम पे। जुल्म करने के लिए इनको सिर्फ मैं ही मिला हूँ। पानी का गिलास भर देता तो ये नौबत ना आती। हमें इन हालात से निकलने के लिए कोई तो प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान तो बनाना ही होगा। मेरे पास एक आइडिया है। कान इधर करो। 1 2 3 ए बी सी अलिफ बे पे। ठीक है ये अच्छा है। दादा सारा काम हो चुका है, और कोई काम है तो बताएं, वरना हम खेलने जाएं। नहीं नहीं जाओ। ठीक है। मैं अली की क्लास के एक लड़के को जानता हूँ जो हमारी मदद जरूर करेगा, लेकिन पैसे लेकर। इस बात की क्या गारंटी है कि हमारा काम हो जाएगा? सही है भाई, लग जा काम पे, मैं जरा आम तोड़ लूं। एक दिन बाद। ओए रुक जाओ। देख यार तू अपना भाई है, पर बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे अच्छे बुरे की तमीज सिखाऊं। हाँ भाई ये तो है वैसे। यार अब्बा हो गया है अब बूढ़ा, घर की तमाम जिम्मेदारियां संभालना अब अब्बा के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। हाँ यार बात तो तुम्हारी ठीक है, तो आप मेरे लिए क्या हुक्म है? यार अब्बा अकेला जमीन पे काम कर रहा था, अब्बा की ये हालत मुझसे देखी नहीं गई, और मैंने उनसे कहा कि आप घर चले जाएं, मैं काम कर लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन यार अब बात ये है कि काम मुझसे हो नहीं पा रहा, पहली बार कर रहा हूँ मैं, इसलिए तू ऐसा कर आज सुकून से छुट्टी कर ले, कल चला जाएं, मिलजुल कर काम करेंगे तो इजीली हो जाएगा। भाई दरअसल आज मेरा पेपर है, मैं ऐसा करता हूँ जल्दी से पेपर देकर वापिस आ जाता हूँ। मुझे लगा था भाई को भाई का एहसास जरूर होगा, लेकिन मैं गलत था। अरे नहीं भाई आप गलत सोच रहे हो। पता है मेरे लिए क्या हुक्म है? समझदार हो गया तू। आपने बात ही ऐसे की मुझसे रहा नहीं गया। देख भाई जिंदगी में तूने आज तक एक पैसा नहीं कमाया, और स्कूल भी तू घर के कामों से बचने के लिए जाता था। भाई ये सब छोड़ अपना काम बता। काम ये है कि आज हम अली की स्कूल से छुट्टी कराएंगे। हाँ तो तुम अपने पेपर पे अली का नाम लिखोगे और सवालों के गलत जवाब दोगे। ये तो मेरे भाई हाथ का खेला है, लाओ दो पैसे। नहीं पैसे काम के बाद मिलेंगे। अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी, पैसे अकाउंट में भेज देना। ठीक है आप तुम जाओ, मैं तुम्हारा स्कूल के बाहर इंतजार कर रहा हूँ, पेपर देकर जल्दी वापस आओ। अच्छा तुम ऐसा करो यहाँ पे काम करो, मैं एक कॉल करके आया। हाँ भाई मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, अब तू पेपर वाला काम संभाल। स्कूल के बाहर खड़ा हूँ, फिकर नॉट, यूनिट जैसे ही आएगा फौरन बता दूंगा। ठीक है ठीक है। 10 मिनट पहले ही भेजा है अंदर। चल रखता हूँ। भाई अपने जमीन में काम करने का मजा ही कुछ हो रहा है। हाँ हाँ मजा तो तुझे आएगा, लेकिन कुछ दिन बाद। मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने, ला इधर दे मैं सिखाता हूँ कैसे करते हैं काम। एक हफ्ते बाद। क्या हुआ मुंह क्यों लटकाया हुआ है? कुछ नहीं बस एक पेपर में फेल हो गया हूँ। क्या तू फेल हो गया? कभी ये नहीं सोचा था। और मैं बात दरअसल ये है कि कोई नहीं गैर है, वैसे भी कच्चे पेपर हो रहे थे, अगली बार मेहनत कर लेगा। क्यों भाई करेगा ना। ठहरो मैं बताता हूँ ये कैसे फेल हुआ। अली का कोई कसूर नहीं। हाँ तो फेल तो हुआ है ना। तुम्हारी कोशिश अच्छी थी, तुमने बंदा बड़ा अनाड़ी था। क्या मतलब? इसे तुम्हारे भाई का नाम तो पता था लेकिन बाप का नहीं। oh, no! यही वजह है इसने तुम्हारे बाप की जगह अपने बाप का नाम लिखा। और हाँ स्कूल में हाजिरी लगती इसलिए हमें पता होता है कौन आया और कौन नहीं। आपका बच्चा पढ़ाई में काबिल है, दरअसल ये अपने भाई की। ओए रुक जाओ।
देख यार, तू अपना भाई है पर बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे अच्छे बुरे की तमीज सिखाऊं। तो आप मेरे लिए क्या हुक्म है? यार अब्बा अकेला जमीन पे काम कर रहा था, अब्बा की ये हालत मुझसे देखी नहीं गई। भाई दरअसल आज मेरा पेपर है, मैं ऐसा करता हूँ जल्दी से पेपर देकर वापिस आ जाता हूँ। मुझे लगा था भाई को भाई का एहसास जरूर होगा, लेकिन मैं गलत था। बताए मेरे लिए क्या हुक्म है? अच्छा मैं जरा सर के लिए पानी लेकर आया। ना ना, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, पानी मेरे हाथ। ओह नो। आज का सॉफ्टवेयर अपडेट तेरी वजह से हो। आओगे या हम आए? हम ही आ जाते हैं। इस बार भी तेरी वजह से मार पड़ी है।